यूपी में यादव परिवार का जलवा बरकरार, परिवार के 5 लोग लोकसभा का चुनाव जीते। अखिलेश यादव के परिवार का जलवा इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। परिवार के 5 सदस्य चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। पहला नाम है डिंपल यादव का। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव चुनाव जीतकर सांसद बनी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी जयवीर सिंह को चुनाव में 2,21,639 वोटों से हराया है। दूसरा नाम है धर्मेंद्र यादव का। आजमगढ़ लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव इस बार 1,61,035 वोटों से चुनाव में जीते और उन्होंने भाजपा के निरहुआ को हराया, आजमगढ़ से सांसद बने। परिवार के तीसरे सदस्य हैं खुद अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से इस बार चुनाव में उतरे और उन्होंने 1,70,922 वोटों से भाजपा के सुब्रत पाठक को हराया और सांसद बने। वहीं चौथा नाम है फिरोजाबाद से अक्षय यादव का। अक्षय यादव ने 89,312 वोटों से भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह को चुनाव में हराया और फिरोजाबाद से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। वहीं पांचवा नाम है आदित्य यादव का। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 34,991 वोटों से हराया और चुनाव जीतकर बदायूं के पहली बार सांसद बने हैं। अखिलेश यादव के परिवार का इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जलवा देखने को मिला और उनका जलवा बरकरार भी है।